हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट मैथ्स रीजनिंग एबी बेसिक्स पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट और मैसेज कर रहे थे कि सर हिंदी का फर्स्ट चैप्टर की वीडियो लेकर आइए। तो दोस्तों, आप सबकी डिमांड पर आज मैं हिंदी के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वर्ण विचार में वर्तनी विवेक की वीडियो लेकर आया हूँ। और दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 15 में से 2 क्वेश्चन है जो इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, इस चैप्टर को आपने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से समझना है। मेरी भी पूरी कोशिश रहेगी कि इस चैप्टर को मैं आपको अच्छे से समझाऊं। और दोस्तों, इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही मैं आपको बताऊंगा, और जो मुझे लगता है कि ये नॉलेज आपको होनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। जो फालतू की चीज होगी उसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि दोस्तों आपको सिर्फ आपका मकसद क्या है, एग्जाम को पास करना, एग्जाम में नंबर लेना। तो जो इंपॉर्टेंट होगा हमें वही पढ़ना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। तो दोस्तों, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ाऊंगा, आपको भी कोशिश करनी है अच्छे से समझने की। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से देखना। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है हमारे चैनल पर फ्री में नवोदय विद्यालय की तैयारी आपको करवाई जाती है और आपको एक बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, चैप्टर का नाम तो आपको पता चल गया, वर्ण विचार व वर्तनी विवेक। तो इसमें हम दोस्तों थोड़ा जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी समझेंगे, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है उसे भी करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम वर्ण की बात करते हैं। वर्ण क्या होता है दोस्तों? किसी भी भाषा में दोस्तों जो वर्ण होते हैं, शब्द होते हैं यानी वर्ड्स होते हैं, और वाक्य होते हैं। तो वर्ण क्या होता है? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना किए जा सकें उसे हम वर्ण कहते हैं। और वर्ण है दोस्तों भाषा का आधार होते हैं जिनसे शब्दों की रचना होती है। दोस्तों, कोई भी भाषा हो उस भाषा की एक सबसे छोटी इकाई होती है जिसको हम आगे उसको विभाजित नहीं कर सकते, उसके टुकड़े नहीं कर सकते। तो वो वाली इकाई जिसके आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते उस भाषा के लिए वर्ण कहलाती है। हिंदी में बात करें दोस्तों, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, किसान फसल उगाएगा। किसान फसल उगाएगा दोस्तों, ये क्या है? हमारा एक वाक्य है। क्या है दोस्तों? वाक्य। अगर हम इसको तोड़ें, इसको टुकड़े करें दोस्तों, तो इसके 3 टुकड़े बनेंगे, किसान फसल उगाएगा। तो जो ये 3 टुकड़े बने दोस्तों, इसका इनको हम क्या कहते हैं? इसको हम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? शब्द कहते हैं। अब इन शब्दों के भी आगे हमने टुकड़े कर दिए, किसान के टुकड़े कर दिए दोस्तों, क ई स आ न अ, किसान, इसके टुकड़े कर दिए दोस्तों। अब जो टुकड़े करने पर दोस्तों ये आपको 6 दिख रहे हैं, इन 6 को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ये 6 क्या है दोस्तों? वर्ण है, क्योंकि इनके हम आगे अब टुकड़े नहीं कर सकते। तो भाषा की वह छोटी छोटी इकाई जिसके आगे हम टुकड़े नहीं कर सकते उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ण कहते हैं। वर्णों से दोस्तों शब्द बनते हैं, और शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं, और वाक्य से मिलकर दोस्तों जो पूरा पैराग्राफ है वो बन जाता है। तो वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो वर्ण तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, वर्ण है जो प्रत्येक भाषा में अपने अलग अलग वर्ण होते हैं। हिंदी भाषा की अगर बात करें तो हिंदी भाषा में भी कुछ वर्ण होते हैं। अगर हम उन वर्णों को एक समूह में रखें, इकट्ठा रखें, और वो भी किस टाइप, कैसा समूह होना चाहिए? एक व्यवस्थित समूह होना चाहिए। तो किसी भी भाषा में वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अब व्यवस्थित समूह क्या होता है दोस्तों? व्यवस्थित समूह उसे कहते हैं जिसमें प्रत्येक वर्ण की अपनी एक पोजीशन होती है। जैसे सबसे पहले अ आता है तो अ ही आएगा। अब ये नहीं है दोस्तों पहले हमने र लिख दिया, फिर कुछ लिख दिया, ऐसे उल्टा पुल्टा समूह बना दिया। समूह भी कैसा होना चाहिए दोस्तों? व्यवस्थित। तो किसी भी भाषा में वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है वो क्या कहलाता है दोस्तों? वर्णमाला कहलाता है। जैसे इंग्लिश में भी आपने देखा होगा, ए पहले आता है, फिर बी, फिर सी आता है। ऐसे नहीं करते दोस्तों, जैसे कोई पहले आर लिख दिया, फिर पी या कुछ भी लिख दिया। समूह तो बनाना है, लेकिन वो कैसा समूह होना चाहिए? व्यवस्थित। तो किसी भी भाषा में वर्णों के व्यवस्थित, व्यवस्थित आपको याद रखना है, व्यवस्थित समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। अब दोस्तों, वर्ण भी पता चल गया, वर्णमाला भी पता चल गया। वर्ण है दोस्तों, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कुछ वर्णों को हम स्वर कहते हैं, और कुछ को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। कुछ स्वर होते हैं दोस्तों, कुछ व्यंजन होते हैं, ये आपने सुना होगा, आपको पता भी होगा। लेकिन अब हम बात करेंगे दोस्तों कि स्वर भी आगे मतलब बहुत सारे टाइप के होते हैं, और व्यंजन के भी कुछ टाइप होते हैं। तो स्वर के कितने टाइप होते हैं दोस्तों? उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ स्वर कौन से हैं दोस्तों। जैसे अ आ ई उ, ये आपने पढ़े हैं, तो ये स्वर होते हैं। स्वरों के दोस्तों 3 भेद होते हैं। स्वर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आपको अच्छे से समझना है। पहला है दोस्तों ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ, और तीसरा है प्लुत स्वर। तो दोस्तों, स्वर ह्रस्व स्वर कौन सा होता है सबसे पहले इसकी बात करते हैं।
जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जिनका उच्चारण करते समय, जिनको बोलते समय बहुत ही कम टाइम लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे दोस्तों अ ई उ री, तो इनको उच्चारण करने में, इनको बोलने में बहुत ही कम टाइम लगता है, इसलिए इन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व का मतलब दोस्तों कम होता है। तो ये कितने हैं दोस्तों? चार होते हैं। और कौन कौन से आप इनको याद कर सकते हैं? अ ई उ री, इनके उच्चारण में कम समय लगता है, इसलिए इन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। दूसरा है दोस्तों दीर्घ स्वर। दीर्घ, दीर्घ का मतलब दोस्तों ज्यादा होता है। दीर्घ का मतलब क्या होता है? ज्यादा। तो जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, ह्रस्व स्वर से अधिक, दीर्घ का मतलब अधिक ही होता है, ज्यादा होता है, तो ह्रस्व से ज्यादा समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ये दोस्तों कितने होते हैं? सात होते हैं। कौन कौन से? आ ई ऊ ए ओ। तो ये सात होते हैं दोस्तों, इनको भी आप याद कर सकते हो क्या दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं। तो ह्रस्व स्वर चार होते हैं और दीर्घ स्वर सात होते हैं। तो चार और सात टोटल कितने बन गए दोस्तों? ग्यारह। ग्यारह हमारे स्वर होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों प्लुत स्वर की। प्लुत स्वर दोस्तों इनको लिखा तो नहीं जाता, लेकिन ये क्या होते हैं दोस्तों? इनका उच्चारण करते समय हम क्या है? मतलब जो समय लगता है वो कितना लगता है? दीर्घ से भी ज़्यादा लगता है। ह्रस्व में कम, दीर्घ में ज़्यादा, और प्लुत में दोस्तों दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगता है। तो इस टाइप के स्वरों को हम प्लुत स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग दोस्तों पुकारने के लिए किया जाता है, जैसे ओ, जैसे कहते हैं हे, या फिर राम, ओम, इस टाइप के जो होते हैं हम प्लुत स्वर कहते हैं। तो स्वर के बारे में दोस्तों आपको पता चल गया, ह्रस्व स्वर चार होते हैं, दीर्घ स्वर सात होते हैं, और टोटल कितने हो गए? ग्यारह। और आपको ये भी पता चल गया ह्रस्व में कम समय लगता है इनके उच्चारण में, दीर्घ में ह्रस्व से ज़्यादा, और प्लुत में दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगता है उच्चारण करने में। अब दोस्तों स्वरों की मात्राएं, मात्राओं के बारे में दोस्तों आपको पता होगा, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। जब शब्दों की शुरुआत स्वर से होती है तो उन्हें मूल रूप में लिखा जाता है। व्यंजन के साथ इनका प्रयोग मूल रूप में ना करके मात्रा के रूप में किया जाता है। दोस्तों किसी भी शब्द की शुरुआत अगर स्वर से होती है तो उसमें जो स्वर है वो मूल रूप में लिखा जाता है। जैसे अजय है, तो अजय को हम क्या लिखेंगे? अ ज य लिखेंगे, अजय, हम मात्रा नहीं पाएंगे। ईंट, इमली लिखना है दोस्तों, इमली, तो इमली में हम छोटी ई आगे लिखते हैं, इसको मूल रूप में लिखते हैं, इसकी मात्रा नहीं लिखते। लेकिन दोस्तों जब इन स्वरों का यूज़ हम वर्णों के साथ करते हैं, बीच में करते हैं, तब हम क्या करते हैं, इनकी मात्राओं का यूज़ करते हैं। जैसे हमने जीत लिखना है तो ज के ऊपर बड़ी ई की मात्रा डालेंगे तो जीत बनेगा। हम ऐसे नहीं लिखते ज फिर बड़ी ई लिख देंगे और फिर त, तो ये नहीं होगा दोस्तों। जीत को हम ऐसे मात्रा के रूप में लिखते हैं। तो हर जो स्वर है दोस्तों उसकी अपनी मात्रा है, और आपको पता है कि किस स्वर की क्या मात्रा होती है, आप यहाँ पे देख सकते हो और अब तक पढ़ते भी आए हो। तो ये तो दोस्तों आपको करवाने की जरूरत नहीं, आपको पता है। अब हम डायरेक्ट आते हैं व्यंजन पे। व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों? स्वर आपने पढ़ लिए दोस्तों, वर्ण दो प्रकार के थे, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वरों के बारे में आपने पढ़ लिया, अब हम व्यंजनों के बारे में बात करेंगे। तो व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्र रूप से स्वरों की मदद लेनी पड़ती है, या तथा जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, उन्हें व्यंजन कहते हैं। एक बार दोस्तों मैं दोबारा बताता हूँ, कुछ ऐसे वर्ण होते हैं दोस्तों जिनका उच्चारण करते समय हमें किसकी मदद लेनी पड़ती है? स्वरों की मदद लेनी पड़ती है, यानी स्वतंत्र रूप से स्वरों की तरह उसका उच्चारण हम नहीं कर सकते। उनके उच्चारण में किसकी हमें आवश्यकता पड़ती है? स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, स्वरों की मदद चाहिए हमें उनका उच्चारण करने में। इस टाइप के जो वर्ण होते हैं उनको हम व्यंजन कहते हैं, जैसे क, ख, ट, फ, य, ह आदि बहुत सारे हैं दोस्तों। कितने हैं टोटल? इनकी संख्या कितनी है? 33 है। तो ये क्या है दोस्तों? व्यंजन कहलाते हैं। अब व्यंजन को भी दोस्तों हम आगे डिवाइड करते हैं, और कितने पार्ट इसके होते हैं? इसको दोस्तों दो टाइप से डिवाइड किया जाता है, एक तो उच्चारण के आधार पर, किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर, और दूसरा दोस्तों किसके आधार पर? श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर। तो दो टाइप से दोस्तों इसको बांटा जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर दोस्तों तीन प्रकार से इनको बांटा जाता है, इनके तीन प्रकार होते हैं। पहला है दोस्तों स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन तीन होते हैं दोस्तों। स्पर्श का मतलब तो आपको पता होगा दोस्तों, स्पर्श करने ने टच करना, छूना। तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह के विभिन्न भागों को छूती हुई या फिर स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। दोस्तों व्यंजन आपने पढ़े, एक तो उच्चारण के आधार पर, और एक मैंने बताया श्वास वायु के आधार पर। उच्चारण के आधार पर तीन, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। अब स्पर्श की हम बात कर रहे हैं, तो स्पर्श व्यंजन दोस्तों उनको कहते हैं जिनका उच्चारण करते समय जो वायु है, हवा है, वो मुंह के हमारे विभिन्न भागों को छूती हुई बाहर निकलती है, स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है।
तो इस प्रकार के व्यंजन को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और ये दोस्तों कितने होते हैं, 25 होते हैं, 25 होते हैं। तो कौन कौन से हैं दोस्तों, ये आपके सामने यहाँ पे बने हुए हैं। सबसे पहला क वर्ग में आते हैं 5, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन आते हैं तो, और 5 वर्ग है तो 25 ये टोटल व्यंजन हो गए, जिनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इनका उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि क वर्ग के व्यंजन है उनका उच्चारण स्थान है कंठ, त च वर्ग वालों का जो उच्चारण स्थान है वो तालु है, तालव्य भी कह देते हैं, और ट वर्ग के जो व्यंजन है उनका उच्चारण स्थान मुर्दा है, त वर्ग के जो जितने भी वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान दांत या दंतव्य है, त वर्ग के वर्णों का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वो क्या है, ओष्ठ है या फिर ओष्ठ भी इसको हम कह देते हैं। दोस्तों अगर आपको पता है कंठ क्या होता है, तालु क्या होता है, मुर्दा क्या होता है, दांत और ओष्ठ दोनों आपको पता ही है, कंठ तालु और मुर्दा पता है, फिर आप दोस्तों इनका उच्चारण करके क ख ग घ, तो आप उच्चारण करके देख सकते हो आपकी जीभ कहाँ टच होती है, कंठ पे। तो कंठ क वर्ग वाले इनका उच्चारण स्थान कंठ है। और च वर्ग वालों का दोस्तों जब आप उच्चारण करोगे च छ झ झ, तो आपकी जो जीभ है वो कहाँ पे स्पर्श कर रही है, आप देख सकते हो तालु के पास, तो इसलिए इनको हम, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। तो इस प्रकार अगर आपको इनकी नॉलेज है तालु मुर्दा तब तो आप बता सकते हो। अदरवाइज दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आप एक ट्रिक याद कर लेना। आपने KTM बाइक तो सुनी होगी, तो आपको क्या कहना है, KTM दिलवा दे ओ, KTM दिलवा दे ओ भाई, KTM दिलवा दे, है ना, तो KTM दिलवा दे ओ भाई। तो के से कंठ, टी 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 से क्या बनेगा, तालू, एम से बनेगा मुर्दा, और दिलवा दे में द आया है तो द से दांत, और दिलवा दे ओ से क्या हो जाएगा, ओष्ठ या फिर ओष्ठ है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, या अपनी भी कोई ट्रिक बना सकते हो, KTM दिलवा दे ओ, तो KTM के कंठ, टी से तालू, एम से मुर्दा, डी दिलवादे में द आया है दांत, और ओ से ओष्ठ बन जाएगा, ओष्ठ बन जाएगा। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हो, क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, च वर्ग का तालु है, और ट वर्ग का मुर्दा है, त वर्ग का दांत है, और प वर्ग का क्या है, ओष्ठ है। और त और प तो दोस्तों आप उच्चारण करोगे त, तो आपकी जीभ है जो वो किसको टच करती है, दांत को टच करती है, तो त थ ध ध न। एक बार इसको उच्चारण करके देखिए आप, तो आपको पता चलेगा कि दांत को उच्चारण, दांत को क्या है, टच करती है जीभ, तो इसका उच्चारण स्थान दांत हो जाएगा। और जब आप दोस्तों प फ ब भ म इसका उच्चारण करोगे, तो आपके ओठ है दोस्तों वो क्या है, टच करते हैं जीव, मतलब आपस में भी टच करते हैं, तो इससे आप पता लगा सकते हो कि प वर्ग क्या है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। अदरवाइज दोस्तों ये ट्रिक जो आपको बताई, आप इसे याद कर सकते हो, तो आपको इजीली याद हो जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे याद कर लेना। 99.99% चांस है कि क्वेश्चन इसी से आएगा, अगर इस चैप्टर से जहाँ मतलब आया, तो ये आपको याद कर लेना है। अब दोस्तों इन पाँचों वर्गों में जो लास्ट का अक्षर होता है, अंतिम अक्षर होते हैं, ये रहे दोस्तों, इन अक्षरों को हम, इन अक्षरों को क्या कहते हैं, पंचमाक्षर भी कहते हैं हम, क्या कहते हैं, पंचमाक्षर कहते हैं। तो ये था दोस्तों स्पर्श व्यंजन जो मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट है इसे याद कर लेना। अब दोस्तों दो और हैं, एक है अंतस्थ व्यंजन, एक है उष्म व्यंजन। अंतस्थ की बात करेंगे दोस्तों, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुँह के किसी भी भाग से पूरी तरह स्पर्श नहीं करती और ना ही स्वरों के समान स्वतंत्र रूप से बाहर निकलती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का होता है, इनकी संख्या 4 है, और ये व्यंजन कौन से हैं, य र ल व। अब दोस्तों कुछ व्यंजन क्या हैं, इनका उच्चारण करते समय जो जीभ है हमारी वो मुंह के किसी भी भाग से पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। दोस्तों व्यंजनों में क्या है, स्पर्श व्यंजनों में स्पर्श करती है, लेकिन इसमें पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। और हमने स्वर के बारे में पढ़ा दोस्तों, स्वर क्या है, स्वतंत्र रूप से निकलते हैं, उनमें कोई स्पर्श नहीं होता। लेकिन अंतस्थ व्यंजन क्या है दोस्तों, ना तो ये स्वतंत्र रूप से निकलते हैं और ना ही इनकी जो मतलब जीभ है वो किसी भाग को पूरी तरह से स्पर्श करती है। तो ये दोस्तों स्वर और व्यंजन इन दोनों के बीच के होते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या है दोस्तों, स्वर और व्यंजन इन दोनों के बीच का इनका उच्चारण होता है, ना तो ये स्वतंत्र रूप से निकलते हैं स्वरों की तरह और ना ही पूरी तरह से स्पर्श करते हैं व्यंजनों की तरह। तो ये क्या, पूरी तरह से स्पर्श नहीं करते जी, बीच के होते हैं, इसलिए हमें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और ये 4 होते हैं, य र ल व, य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, आपको याद कर लेना है। और दोस्तों इनमें भी जो सबसे लास्ट वाला है व, आप इसका उच्चारण करके देखिए एक बार, व व, जो व का अगर आप उच्चारण करोगे तो आपके जो दांत हैं और होठ हैं वे एक दूसरे को टच करते हैं, स्पर्श करते हैं। वो आप एक बार आप उच्चारण करके देखिए व, तो व में दोस्तों दांत और होठ हैं जो उनका आपस में क्या होता है, स्पर्श होता है। तो इसलिए दांत और होठ दंत प्लस ओष्ठ है, तो दंतोष्ठ बन जाएगा। व को दोस्तों हम दंतोष्ठ व्यंजन भी कहते हैं, तो ये भी आपको याद कर लेना है। अब उसके बाद दोस्तों उष्म व्यंजन,
उष्मा का मतलब होता है दोस्तों हीट, गर्मी। उष्मा का मतलब होता है गर्मी। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख से रगड़ खाकर गर्मी उत्पन्न करती है, जब आप इनका उच्चारण करते हो तो जो हवा है वो मुंह से टकराती है, रगड़ खाती है और गर्मी उत्पन्न करती है। तो इस टाइप के व्यंजन को हम उष्म व्यंजन कहते हैं। इसकी भी दोस्तों चार संख्या है, कौन कौन से हैं? शलगम वाला श, षटकोण वाला श, सपेरे वाला स और हल वाला ह। श श स ह, तो ये चार हैं दोस्तों, इनको हम उष्म व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों चार हो गए ये और चार ये, और ऊपर कितने थे? 25 थे स्पर्श व्यंजन। तो चार और चार आठ, और आठ में 25 जोड़ेंगे तो 33 बनेगा। तो 33 क्या होते हैं दोस्तों? व्यंजन होते हैं। अब दोस्तों स्वास की मात्रा के आधार पर भी व्यंजनों को दो प्रकार, मतलब दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं अल्पप्राण, एक होते हैं महाप्राण। तो अल्प का मतलब होता है कम, महा का मतलब होता है ज़्यादा, और प्राण का मतलब श्वास। तो अल्पप्राण यानी कम श्वास और महाप्राण यानी ज़्यादा श्वास। तो जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम निकलती है, श्वास वायु कम निकलती है उनको अल्पप्राण कहते हैं, और जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में निकलती है उनको हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। तो ये दोनों भी आसान है। अल्पप्राण, अल्प का मतलब कम, प्राण का मतलब श्वास वायु। तो कम श्वास वायु निकलेगी तो अल्पप्राण, और उच्चारण करते समय अधिक मात्रा में श्वास वायु निकलेगी तो महाप्राण। अब दोस्तों आपने क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग पढ़ा। तो उन वर्गों में जो पहला अक्षर होता है, तीसरा अक्षर होता है और पांचवा, ये जो पहला तीसरा पांचवा अक्षर है इनका उच्चारण करते समय जो श्वास वायु है कम निकलती है, इसलिए इनको हम अल्पप्राण कहते हैं, अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। और जो दूसरा और चौथा होता है दोस्तों, दूसरा और चौथा जो ख छ, ये दूसरा ठ हो गया, फ हो गया, ये दूसरा जो मतलब व्यंजन होता है हर वर्ग का, और चौथा जो व्यंजन होता है हर वर्ग का, क ख ग व क च वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, ये जितने भी वर्ग हैं पाँचों, इनका दूसरा और चौथा है, इनके उच्चारण में ज़्यादा मात्रा में क्या निकलती है? श्वास वायु निकलती है। तो ये महाप्राण व्यंजन है, और पहला तीसरा और पांचवें वाले को हम क्या कहते हैं दोस्तों? अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। तो ये रहा दोस्तों जो अभी आपने स्पर्श व्यंजन पढ़ा था, ये पहला ग्रुप है क वाला, और ये तीसरे वाला है, और ये पांचवें वाला है। तो पहला तीसरा और पांचवा अक्षर है ये अल्पप्राण है, और दूसरा चौथा, दूसरा और चौथा है दोस्तों, ये क्या हो जाएंगे? महाप्राण व्यंजन हो जाएंगे। अब दोस्तों व्यंजन के बारे में आपने पढ़ लिया, व्यंजन दो प्रकार से बांटे गए, एक तो उच्चारण के आधार पर, एक श्वास की मात्रा के आधार पर। उच्चारण के आधार पर तीन पढ़े हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, और इसके आधार पर आपने दो पढ़े हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। तो ये दोस्तों व्यंजन और स्वर है आपका खत्म हुआ। लेकिन दोस्तों व्यंजन अभी कुछ और भी टाइप के होते हैं जिनको हम व्यंजन कहते हैं, स्वर नहीं कहते, लेकिन वो इसमें काउंट नहीं होते 33 में। तो सबसे पहला है संयुक्त व्यंजन। कौन से होते हैं दोस्तों? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है दोस्तों जो दो या दो से अधिक जिसे मिलकर बना होता है। तो जब दो या दो से अधिक व्यंजन परस्पर मिलते हैं तो इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे छ, क, क्ष, त्र आदि संयुक्त व्यंजन के उदाहरण हैं। अब दोस्तों संयुक्त व्यंजनों को हम गुच्छ भी कहते हैं, व्यंजन गुच्छ भी कहते हैं। इन्हें निम्न रूपों में व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों जब दो या दो से अधिक व्यंजन आपस में मिलते हैं और एक नया जो व्यंजन या कुछ बनाते हैं उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे आधा च और छ मिलकर छ, जैसे मच्छर में यूज होता है, और आधा क और क मिलकर क, तो ये हो गया, ये क्षत्र, ये भी संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन में, इनमें दोस्तों जो क्षत्र और ज्ञ है, ये ऐसे संयुक्त व्यंजन है दोस्तों चारों, जिनको हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हैं, क्ष को, त्र को, ज्ञ को और श्र को। अब आपको पता क्या होना चाहिए कि दोनों किस किस से मिलकर बने हैं, इनका संधि विच्छेद आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। तो क्ष है दोस्तों आधा क और श, षटकोण वाला श से मिलकर बना होता है, त्र आधा त और र से मिलकर बना होता है, और दोस्तों जो ज्ञ, इसको हम बोलते तो ज्ञ, ज्ञान, ज्ञानी, लेकिन दोस्तों ये ज, इसका जो मतलब संधि विच्छेद करोगे तो ये किससे मिलकर बना होता है? ज से। और जो ये च, छ, झ, झ, च वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है दोस्तों अइया, इसको आप अइया बोलते होंगे या अ कुछ भी बोलते होंगे, इससे और इससे मिलकर बना होता है ये ज्ञ। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला ज्ञ वाला, इसका संधि विच्छेद आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद है दोस्तों श्र, श और र से मिलकर बना होता है श्र। तो ये चार दोस्तों संयुक्त अक्षर हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, इनका संधि विच्छेद पता होना चाहिए कि किस किस से मिलकर बनते हैं, ये वाला जो पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट है, आप याद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपका क्या है? द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन का मतलब दोस्तों अगर कोई मतलब सेम व्यंजन है, एक बार आधा और एक बार पूरा यूज हुआ, तो उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे न आधा और पूरा यूज हुआ तो प्रसन्न में, यहाँ पे आप देख सकते हो, द और द, आधा द और पूरा द, ये यूज हुआ तो उद्देश्य है, इसको हम द्विवत्व व्यंजन कहते हैं। यानी सेम व्यंजन एक बार अर्ध और एक बार पूर्ण यूज होता है इकट्ठा, तो इसे हम द्विवत्व व्यंजन के रूप में जानते हैं। उसके बाद दोस्तों संयुक्त अक्षर।
संयुक्त अक्षर में क्या होता है दोस्तों, अलग अलग व्यंजन होते हैं दो, एक आधा और एक पूरा यूज होता है। जैसे यहाँ पे आधा द और पूरा य, तो द्य उद्योग बन गया, इसको हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। यहाँ पे आधा त और पूर्ण प, तो त्प त्प उत्पन्न, तो ये दोस्तों संयुक्त अक्षर है। यहाँ पे आधा स और थ स्थ, तो इसको दोस्तों हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आगत व्यंजन की। ये दोस्तों आगत व्यंजन ज़्यादा खास नहीं है, फिर भी आपको याद रखना है। कुछ उर्दू अरबी जो फारसी भाषा है उनके मतलब शब्दों को हम हिंदी में यूज़ कर लेते हैं और उनके नीचे नुक्ता लगा होता है, बिंदी लगी होती है, तो आप देखते ही बता देते हैं दोस्तों इसको बिंदी देख के कि ये कैसे व्यंजन है, इनको आगत व्यंजन कहते हैं। बात करते हैं दोस्तों अनुस्वार की। अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार क्या होते हैं दोस्तों, इसका उच्चारण न या फिर म के स्वर रहित रूप जैसा होता है। इसका प्रयोग वर्तमान में पंचम वर्णों के स्थान पर किया जाता है। इसका चिन्ह कुछ इस प्रकार का होता है और ये पंचम वर्ण होते हैं दोस्तों। प्रत्येक वर्ग जो अपने क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग पढ़ा, उनके जो पांचवें अक्षर होते हैं दोस्तों उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। अब दोस्तों आपने अब तक पढ़ा होगा, जैसे आपने गंगा पढ़ा है तो आप सोचते होंगे दोस्तों जो गंगा में जो बिंदी है ये किसकी है, अंग की है। लेकिन दोस्तों गंगा को हम किस प्रकार लिखते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, ग लिख के, ग लिख के और फिर यहाँ पे दोस्तों ये अंग ये वाला लिखा जाता है और फिर ग और आ लिखा जाता है गंगा। तो जो ये है दोस्तों एक दो तीन चार पाँच, इन पांचों का जो यूज़ है दोस्तों वो इस मात्रा के लिए किया जाता है। अंग की मात्रा कह देते हैं इसको, तो इस मात्रा के लिए किया जाता है। इनका जो उच्चारण है वो ये तो न या फिर म के स्वर जैसा होता है, या तो न या फिर म, एक तो होगा दोस्तों पूरा न, एक होता है मतलब हल्का सा जो स्वर जैसा न या म की आवाज़ जो कि इसमें गंगा में आ रही है, गंगा गंगा, तो इसमें ग या तो न की या फिर म का जो स्वर रहित रूप होता है इसके उच्चारण में, तो इनको दोस्तों हम अनुस्वार कहते हैं। ये पांच होते हैं, पंचम वर्ण होते हैं, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों बात करें अनुनासिक की। अनुनासिक, अनुनासिक क्या है दोस्तों, अनुनासिक नासिक, इसके उच्चारण में नाक और मुँह दोनों से आवाज़ आती है। जब दोस्तों हम इनका उच्चारण करते हैं तो नाक से और मुँह से दोनों से क्या है, आवाज़ आती है। इनको हम दोस्तों चंद्रबिंदु भी कहते हैं। तो चंद्रबिंदु, इसका सिंबल तो आपको पता होगा दोस्तों, शिरोरेखा के ऊपर क्या है, चंद्र बिंदु बनाया जाता है, तो अनुनासिक इसे ही कहते हैं। जैसे दोस्तों आँख, गांव, पांव, चांद, तो इसमें दोस्तों जो आवाज़ है वो मुंह से भी और थोड़ी नाक से भी आती है। अगर आप नाक बंद करके इनको बोलोगे तो ये सही से इसका उच्चारण नहीं हो पाएगा, तो नाक और मुँह दोनों से इनकी आवाज़ आती है। आँख, गांव, पांव, चांद आदि, तो अनुनासिक किसको बोलते हैं, चंद्र बिंदु को। लेकिन दोस्तों जब शिरोरेखा के ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हो शिरोरेखा के ऊपर मतलब कुछ ऐसे शब्द होते हैं, शिरोरेखा के ऊपर कुछ मात्रा होती है, चाहे वो ओ की मात्रा हो, चाहे वो ए की मात्रा हो या ए की मात्रा हो, तो उस टाइम हम अनुनासिक में जो चंद्र बिंदु का प्रयोग ना करके सिंपल बिंदु का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं, गोंद, होंगे, भोंपू, कोंपले, तो इसमें दोस्तों हम चंद्र बिंदु का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि इसमें क्या है, शिरोरेखा, इस रेखा के ऊपर जो ऊपर रेखा डलती है अगर इसके ऊपर मात्रा आ जाती है फिर हम बिंदु लगाएंगे। लेकिन अगर शिरोरेखा के ऊपर मात्रा नहीं होगी, जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा आँख, गाँव, पाँव में, तो इसमें दोस्तों क्या है, मात्रा नहीं थी। यहाँ पे आपने देखा होगा इसमें शिरोरेखा के ऊपर मात्रा नहीं थी तो चंद्र बिंदु लगाया था। तो दोस्तों ये अनुस्वार और अनुनासिक भी आपको ध्यान में रखने हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इससे क्वेश्चन अब तक तो पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखने हैं। अब दोस्तों बात करते हैं र के विभिन्न रूप। ये भी वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी हम इसको भी पढ़ लेते हैं। र के विभिन्न रूप, तो र के कुछ प्रकार होते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों र का स्वर रहित रूप किसी व्यंजन के पूर्व आने पर वह अगले वर्ण पर रेफ के रूप में लगता है, यानी दोस्तों आपने पढ़ा होगा धर्म, ध, फिर यहाँ पे र म, तो जो ये र है दोस्तों इस म के आगे आया है, तो इस र का जो यूज़ है हम यहाँ पे र नहीं लिखते, इसकी जगह म के ऊपर दोस्तों हम रेफ लगाते हैं, यानी कि इस प्रकार की कुछ मात्रा लगाते हैं, इसे रेफ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, रेफ। तो रेफ, तो ये धर्म ऐसे लिखा जाता है, यानी जब र किसी व्यंजन के आगे आता है तो उस व्यंजन जिसके वो आगे आया हुआ है तो उसके ऊपर हम रेफ की मात्रा लगा देते हैं। और दोस्तों जब र का स्वर रहित रूप किसी व्यंजन के बाद में आता है, जैसे व्रत, यहाँ पे क्या दोस्तों व्रत, तो व्रत में हम दोस्तों व के बाद आया है, व के साथ आया व्रत, तो र है जो वो इसके पैर में लगा देते हैं, व्रत इसके नीचे लगा देते हैं, जिसे हम पदेन भी कहते हैं, इसे हम पदेन कहते हैं और इस वाले को हम रेफ कहते हैं। तो जैसे दोस्तों प्रमोद, व्रत, वज्र, भ्रम, क्रम, ग्रह, तो ये क्या है दोस्तों, र का रूप है जो कि पदेन कहलाता है और इसमें धर्म, कर्तव्य, वर्षा, अर्पण, इसमें जो ये रूप है इसको हम रेफ कहते हैं।
अब दोस्तों अगर हम बात करें ट और ड की, तो ट और ड में र है जो, जैसे ट्र, ट्रैक्टर बनाना है, ट्रक बनाना है या ड्रम बनाना है, तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे ट और ड के नीचे लगता है, तो ये भी एक र का रूप है। उसके बाद दोस्तों आपने पढ़ा कि अगर त के साथ अगर र का यूज़ किया जाए तो तर बनता है, और श, श के साथ अगर र का यूज़ किया जाए तो श्र बनता है। तो जैसे अभी आपने यहाँ पे संयुक्त व्यंजन में पढ़ा था श और र, श्र, त और र के साथ त्र, तो ये र के कुछ विभिन्न रूप हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, वर्तनी तथा उच्चारण। वर्तनी क्या है दोस्तों? लिखने की रीति को वर्तनी कहा जाता है। जो लिखने की रीति है, यानी जिस प्रकार कोई शब्द या वाक्य कुछ भी लिखा जा रहा है, तो उसकी रीति को हम वर्तनी कहते हैं। और वर्तनी का संबंध किससे होता है? उच्चारण से, क्योंकि दोस्तों जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, या जो लिखा होता है उसे ही पढ़ के बोला जाता है। तो उच्चारण अशुद्ध होने पर वर्तनी भी अशुद्ध हो जाती है। तो जो हम बोलेंगे वही लिखेंगे। अगर हमने उच्चारण गलत कर दिया, यानी कि बोल गलत दिया, तो वो लिखा भी क्या जाएगा? गलत जाएगा, अशुद्ध लिखा जाएगा। तो उच्चारण अगर अशुद्ध हुआ तो वर्तनी भी अशुद्ध हो जाती है। तो प्राय जो लोग जिन शब्दों के उच्चारण है वर्तनी में अशुद्धियाँ करते हैं, उन शब्दों के अशुद्ध और शुद्ध शब्दों को निम्न तालिका में देखा जा सकता है। तो कुछ शब्द हैं दोस्तों जो मतलब लोग हैं उनको अशुद्ध बोलते हैं, उनका जो मतलब उच्चारण है वो सही नहीं करते। जैसे दोस्तों आकाश होता है, लेकिन बोलते क्या है? आकाश। तो आकाश तो अशुद्ध है, आकाश क्या है? शुद्ध है। आहार नहीं होता दोस्तों, आहार होता है। साधु नहीं होता, साधु, साधु होता है, साधु। जैसे दोस्तों त्यौहार नहीं होता, त्यौहार होता है। दांत नहीं होता, दांत होता है। पुत्री नहीं होता दोस्तों, पुत्री। श्रीमती नहीं होता दोस्तों, श्रीमती। और यहाँ पे दोस्तों वधू नहीं होता, वधू होता है। गौरव नहीं होता दोस्तों, गौरव होता है। प्राय, और इसका शुद्ध क्या है दोस्तों? प्राय। दिखने में थोड़ा थोड़ा दोस्तों इनका उच्चारण है वो हल्का सा लगता है आपको सेम है, लेकिन इनमें हल्का सा डिफरेंट होता है। तो शुद्ध वर्तनी आपको पता होनी चाहिए किसी भी शब्द की, वो क्या होती है और उसका उच्चारण भी पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे व्यंजन से रिलेटेड कुछ अशुद्धियाँ करते हैं, जैसे आकांक्षा, आकांक्षा नहीं होती, वो आकांक्षा होती है। जोग नहीं होता दोस्तों, योग होता है। पेड़, पेड़ नहीं दोस्तों, पेड़। खाना नहीं होता दोस्तों, खाना होता है। क्षण नहीं होता, क्षण होता है। जमुना बोलते हैं लेकिन यमुना होता है। मेंढक बोलते हैं दोस्तों, मेंढक होता है। रसायन नहीं होता दोस्तों, रसायन होता है। ये दोस्तों जो रसायन वाला है ये पहले एग्जाम में आ चुका है, तो रसायन नहीं होता, रसायन होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों ये जो अशुद्ध और शुद्ध है, इससे आपके हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। एक दोस्तों मैंने आपको पीछे बताया था वर्ग से, च वर्ग, ट वर्ग, यानी उच्चारण स्थान से, और एक शुद्ध और अशुद्ध से। इन दो टॉपिक से इस मतलब पूरे जो पाठ है इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा शब्द मतलब जो पूरा पाठ था, जिसमें हमने क्या पढ़ा? वर्ण के बारे में पढ़ा, वर्ण माला के बारे में पढ़ा, वर्णों के दो भेद स्वर और व्यंजन, स्वर के तीन ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, और व्यंजन को भी दोस्तों फिर दो भागों में बांटा गया। किस किस में? एक तो उच्चारण के आधार पर, और एक दोस्तों श्वास की मात्रा के आधार पर। उच्चारण के आधार पर आपने पढ़ा दोस्तों स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, और यहाँ पे अल्प प्राण और महाप्राण। फिर दोस्तों आपने संयुक्त व्यंजन पढ़ा, जिसमें आपने दोस्तों द्विवत भी पढ़ा और संयुक्त अक्षर भी पढ़ा। फिर आपने दोस्तों आगत व्यंजन और अनुस्वार, अनुनासिक के बारे में पढ़ा। फिर दोस्तों र के विभिन्न रूप, और फिर वर्तनी और उच्चारण के बारे में पढ़ा। अब हम इस चैप्टर से कुछ अभ्यास के प्रश्न करेंगे और देखते हैं आपको कितना समझ में आया है, और अगर आया है तो आपको बताना है ये कितने क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे लगभग 24 है, तो आपको बताना है 24 में से आपके कितने क्वेश्चन सही थे। तो सबसे पहला और आसान क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी वाक्य, ऑप्शन सी वर्ण, ऑप्शन डी वाक्यांश। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों? वर्ण होती है, और आपका जो ऑप्शन सी है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड, वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों का व्यवस्थित समूह कहलाता है। तो ये भी आपको पता है दोस्तों, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है, तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो अभी आपने पढ़ा था दोस्तों वर्णों के दो भेद होते हैं, एक तो स्वर और एक व्यंजन, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है दोस्तों? किन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती? तो वो कौन से वर्ण हैं दोस्तों जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती? तो दोस्तों वो कौन से थे? स्वर थे। स्वर का जब हम उच्चारण करते हो तो किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन व्यंजन में स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, तो ऑप्शन सी स्वर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों निम्न में से ह्रस्व स्वरों का सही समूह है। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं दोस्तों? चार होते हैं, अ ई उ री, अ ई
उरी यानी छोटा अ छोटी ई छोटा उ और री। तो पांचवे का दोस्तों आप देख सकते हो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये चारों इसी ऑप्शन में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों, किन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, दीर्घ से अधिक समय। दोस्तों आपको मैंने बताया था स्वर के तीन पार्ट होते हैं ह्रस्व दीर्घ प्लुत, तो ह्रस्व में कम लगता है, ह्रस्व से ज़्यादा दीर्घ में और दीर्घ से भी ज़्यादा किस में लगता है समय, प्लुत स्वर में लगता है। तो 6 का ऑप्शन ए प्लुत स्वर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, व्यंजनों की संख्या होती है। तो आपको मैंने बताया था दोस्तों व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं, 33। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 दोस्तों स्पर्श थे और फिर अंतस्थ व्यंजन थे 4 और फिर उष्म व्यंजन थे 4, तो इनको ऐड करोगे तो 33 बनेगा, तो 33 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8, सो स्पर्श व्यंजनों की संख्या भी आपको बताया दोस्तों, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25। ये रहा दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ट वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान। तो ट वर्ग तो ये बताना आपको कहाँ पे आएगा दोस्तों, क फिर च फिर ट आता है और मैंने आपको बताया था के टी एम, तो ट यानी म, तो म से क्या बनेगा दोस्तों, मुर्दा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों सी हो जाएगा, मुर्दा। ट वर्ग के जो वर्णों का उच्चारण स्थान है वो मुर्दा। उसके बाद दोस्तों दंतोष्ठ्य व्यंजन किसे कहते हैं, दंत्य प्लस ओष्ठ्य, तो कौन सा व्यंजन है दोस्तों जिसको दंतोष्ठ्य व्यंजन कहते हैं, आपको बताया था व य र ल व, इनको उस कौन सा व्यंजन बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं सभी, और व क्या है दोस्तों, दंतोष्ठ्य व्यंजन है क्योंकि व का उच्चारण करते समय दांत और होठ हैं जो आपस में टच होते हैं, स्पर्श करते हैं। फिर है दोस्तों श्वास की मात्रा के आधार पर, श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद हैं, एक अल्पप्राण और एक महाप्राण, तो कितने हैं दोस्तों श्वास की मात्रा के आधार पर, तो यहाँ पे दोस्तों 2 होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 2 नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 आएगा दोस्तों, ऑप्शन ए यहाँ पे आप राइट आंसर लगा लेना। यहाँ पे श्वास की मात्रा के आधार पर दोस्तों आपने पढ़ा था, एक तो अल्पप्राण होता है और एक महाप्राण, तो इसका आंसर होगा दोस्तों 2। अब बात करते हैं दोस्तों किन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु कम निकलती है, तो श्वास वायु कम किस में निकलती है दोस्तों, अल्पप्राण में, और अगर ज़्यादा पूछ ले तो महाप्राण में, तो बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पप्राण होता है, अल्पप्राण दोस्तों कौन कौन से होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था अल्पप्राण, तो 135 पहला यानी वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा अक्षर क्या है दोस्तों, अल्प प्राण होते हैं, तो पहला तीसरा पांचवा ऑप्शन सी दोस्तों यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और महाप्राण में दोस्तों दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर क्या है, महाप्राण होते हैं। तो निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है, तो महाप्राण बताना है दोस्तों, क दोस्तों फर्स्ट नंबर पर आता है, ख सेकंड पे आता है, तो सेकंड पे आता है ख, तो ख क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। ये भी ये थर्ड पे आता है, ये भी नहीं होगा, ये थर्ड पे आता है, ये भी नहीं होगा, तो ख दोस्तों आपका महाप्राण व्यंजन हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, उष्म व्यंजनों का उचित समूह, तो उच्च जो उष्म व्यंजन है दोस्तों वो कौन से होते हैं, शलगम वाला श, षटकोण वाला स, सपेरे वाला स और ह वाला हल, तो श श स ह, तो 15 का दोस्तों आप देख सकते हो बी में ये सभी आए हुए हैं, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों ग की, तो मैंने बताया था दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं ग में, तो ग और य नहीं होता दोस्तों, ये क्या होता है ज और ये, उसी मतलब कि च च वर्ग का जो अंतिम अक्षर होता है इया कहते हो या इया या जो भी आप बोलते हो अ, ये ज और य इससे मिलकर बनता है ज और अ से, जो इसका जो सी है दोस्तों वो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। अब बात करते हैं दोस्तों 17, ये तो ईजी है, श्र श और र, अब श आपको याद रखना है कौन सा होगा, श कौन सा होता है दोस्तों, शलगम वाला, तो शलगम वाला श और र, तो श्र बनता है, तो ऑप्शन जो इसका बी है दोस्तों 17 का वो राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे भी श और र है, यहाँ पे भी दोस्तों श्र र तो कंप्लीट आएगा, लेकिन जो श है वो आधा आएगा, तो श आधा आता है और र कंप्लीट आता है, तो श्र बनेगा, ए वाला नहीं होगा दोस्तों, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों जो ये संयुक्त अक्षर हमने पढ़े थे, संयुक्त व्यंजन पढ़े थे, जो पहले वाला होता है दोस्तों वो आधा आता है और र यहाँ पे कंप्लीट आता है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों आगत व्यंजन, आगत व्यंजन आपको बताना है इनमें से कौन सा है, आगत व्यंजन वो होते हैं दोस्तों जिसके नीचे नुक्ता यानी बिंदी लगी होती है, तो सी में बिंदी लगी है तो यही आपका आगत व्यंजन हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, पंचम वर्ण कौन सा है, पंचम वर्ण दोस्तों उसको कहते हैं जो जैसे क वर्ग च ट त पांच वर्ग पढ़े, उनका जो पांचवा अक्षर है उसको पंचम वर्ग कहते हैं। त पहले पे आता है, थ दूसरे पे, म पांचवे पे आता है, तो म क्या होगा हमारे यहाँ पे, पंचम वर्ण होगा क्योंकि ये फिफ्थ नंबर पे आता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अशुद्ध शब्दों के लिए शुद्ध शब्दों का चयन करना है, तो
तो यहाँ पे देखो दोस्तों, नरज नाराज नारज नरजा, तो इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो आपको पता है दोस्तों शुद्ध शब्द क्या होता है, नाराज होता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, गुर गुरु 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 दोस्तों, तो डी वाला बिल्कुल सही, आप देख सकते हो यहाँ पे गुरु, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। रुचि 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 रुचिन, तो ये तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। लास्ट वाला रुचि में दोस्तों आपको पता है कौन सी मात्रा आती है, छोटी ई की मात्रा आती है, तो रुचि ऑप्शन भी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों नूपुर नूपुर, यहाँ पे नूपुरु और यहाँ पे नूपुरु, तो दोस्तों इसमें आप बता सकते हो कि 23 में कौन सा सही होगा, नूपुर नूपुर होता है दोस्तों, क्या होता है नूपुर, तो नूपुर यानी कि ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नूपुर, और बाकी जो है वो गलत है। उज्ज्वल दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उज्ज्वल ये भी कई बार आ जाता है एग्जाम में। उज्ज्वल में दोस्तों क्या है आपको ध्यान रखना है, जो ज है ज वो दोनों क्या है समोल आते हैं, दोनों ज समोल आते हैं, तो पहला तो नहीं होगा दोस्तों, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो दोनों ज समोल किस में आए हैं, सी में आए हैं, तो उज्ज्वल में दोनों ज हैं वो छोटे आते हैं, तो 24 का सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों 24 में से आपके कितने क्वेश्चन सही थे। अब दोस्तों जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या है 2019 में आया है, इसमें आपको बताना है शुद्ध शब्द क्या है। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कृपया, कृपया का सही जो वो है सब मतलब कैसे पढ़ता है कृपया, वो आपको बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका, आपको पता है कृपया में री की मात्रा आती है, तो ए में भी है और सी में भी है, तो मतलब दोस्तों बी और डी तो आपके नहीं होंगे। अब कृपया में दोस्तों जो प है वो कंप्लीट आता है ना कि आधा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कृपया में प है जो वो आधा नहीं आता मतलब कंप्लीट आता है, तो ऑप्शन ए दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी दोस्तों शुद्ध रूप छांटिए, ये भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है इनमें से शुद्ध रूप कौन सा है। ये है दोस्तों व्यक्त व्यकत त्यकत त्यक्त, तो दोस्तों व्यक्त होता है, और व्यक्त में दोस्तों जो क है वो आधा आता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये दोस्तों 2021 में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आशीर्वाद, तो आशीर्वाद कौन सा है? ये दोस्तों आशीर्वाद बनेगा, ये आशीर्वाद तो बनेगा लेकिन यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है, ये आशीर्वाद बनेगा बड़ी की मात्रा है, ये आशीर्वाद बनेगा, यानी दोस्तों ये वाला तो ये और ये वाला तो होगा नहीं, क्योंकि आशीर्वाद है आशीर्वाद नहीं है। अब आशीर्वाद बी और सी में से कौन सा होगा? दोस्तों आशीर्वाद में बड़ी ई की मात्रा आती है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जितने भी दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपसे आपको यहाँ पे अंदाजा लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये दोस्तों 2020 में आया था, शुद्ध रूप छांटिए, सहिष्णुता का शुद्ध रूप। दोस्तों सहिष्णुता में क्या है, सबसे पहली बात तो जो श है षटकोण वाला आता है, तो इसमें षटकोण वाला नहीं है ये तो होगा नहीं, इसमें भी षटकोण वाला नहीं है ये भी नहीं होगा, इसमें षटकोण वाला श है, इसमें भी षटकोण वाला श है, ही शनु शनु, तो यहाँ पे। अब बात करते हैं दोस्तों इन दोनों में से सही क्या होगा, सहिष्णु दोस्तों सहिष्णु होता है, तो सहिष्णु में क्या होता है दोस्तों, जो मतलब मात्रा है ह के ऊपर वो छोटी ई की आती है, तो छोटी ई की मात्रा यहाँ पे आई हुई है, तो डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सहिष्णुता। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों 2015 में आया था, इनमें से कौन सा शब्द सही है, कौन सा शब्द सही है? दोस्तों प्रादुर्भाव होता है, प्रादुर्भाव, तो प्रादुर्भाव दोस्तों ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, जो ये क्वेश्चन है ये 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, और इसका आपको बताना है कि अशुद्ध शब्द कौन सा है, रसायन पर्याप्त विस्मरण प्रदर्शनी। अभी दोस्तों आपने कुछ देर पहले पढ़ा था रसायन, रसायन नहीं होता दोस्तों, रसायन होता है, रसायन न आएगा न नहीं आएगा, तो ये आपका शब्द क्या है अशुद्ध हो जाएगा, यानी कि सही नहीं होगा गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की, शुद्ध वर्तनी के लिए सही विकल्प छांटिए, इनमें से कौन सा विकल्प सही है जिसकी वर्तनी सही है, अशोभनीय, अशोभनीय कैसे पढ़ता है दोस्तों, उसमें सलगम वाला श आता है, तो ये वाला भी कट गया क्योंकि इसमें स्पेरे वाला ये भी कट गया, और शोभनीय, निय में दोस्तों बड़ी ई की मात्रा आती है, तो निय, तो इसमें दोस्तों अशोभनीय, शलगम वाला भी है और बड़ी ई की मात्रा भी है, तो अशोभनीय सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, ये दोस्तों 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आविष्कार कैसे पढ़ता है, आविष्कार, आविष्कार में दोस्तों छोटी ई की मात्रा आती है, जो कि इसमें भी है लेकिन इसमें आ नहीं लिखा है तो ये तो नहीं होगा, इसमें दोस्तों आ दो बार है ये भी नहीं होगा, इसमें अवनिष्कार है ये भी नहीं होगा, ये तो ईजी है दोस्तों, आविष्कार क्या है दोस्तों, ऑप्शन सी वाला होगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9,
निम्न में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर सकते हैं। अंजलि की जो शुद्ध वर्तनी है वो कौन सी है? ये तो अनजलि है, ये भी नहीं होगा। अजलि, इसमें तो बिंदी नहीं आई, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से अंजलि और अंजलि, दोस्तों अगर नाम लिखा जाता है तो मोस्टली इस टाइप से लिखते हैं अपना नाम, अंजलि जिसका भी नाम होता है। लेकिन आपने पतंजलि देख सुना होगा दोस्तों, पतंजलि, और लिखा हुआ भी आपने देखा होगा पतंजलि। तो पतंजलि पत प्लस अंजलि का क्या है, मिक्सचर, मतलब एक क्या है, जोड़ होता है, पत प्लस अंजलि। तो अंजलि का जो सही रूप है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी है, वो क्या है, ये होती है। अंजलि में छोटी ए की मात्रा आती है ल के ऊपर, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है, अंजलि में छोटी ए की मात्रा आती है ल के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 10 और 11, ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों 2011 में आ चुके हैं। यहाँ पे दोस्तों पारगम्य, परिगम्य, तो दोस्तों आपको बताना है किस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो पारगम्य, यहाँ पे तो दोस्तों आधा म नहीं है तो ये तो नहीं होगा। पारगम्य कुछ नहीं होता, परिगम्य नहीं दोस्तों, पारगम्य होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और ये दोस्तों दोबारा रिपीट हो चुका है प्रादुर्भाव, 2011 में भी, और एक बार और ये रिपीट हो चुका है प्रादुर्भाव। ऑप्शन बी यहाँ पे 11th का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों यहाँ पे 2012 में एक आ चुका है। क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन? अधिवेशन बताना है दोस्तों आपको कि अधिवेशन के लिए जो शुद्ध वर्तनी है वो कौन सी है। अधिवेशन में दोस्तों छोटी की मात्रा आती है तो पहला नहीं होगा, और वेशन श आता है दोस्तों जो मतलब शलगम वाला, तो ये सी में आया हुआ है दोस्तों, अधिवेशन होता है। तो ऑप्शन सी दोस्तों 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और अब दोस्तों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने, ढ वर्ण का उच्चारण स्थान। पहले दोस्तों सिर्फ शुद्ध वर्तनी वाले शब्द आते थे, लेकिन 2020-21 से कैसे सब मतलब क्वेश्चन आने लगे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी आने लगे हैं उच्चारण स्थान से रिलेटेड। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं, ढ का उच्चारण स्थान आपको बताना है। तो दोस्तों ढ है किस वर्ग में आता है? क में नहीं आता, क के बाद च में नहीं आता, ट में आता है दोस्तों, ट ठ ढ न, तो ट वर्ग का है। तो के टी एम, तो अम म से क्या बनेगा दोस्तों? मूर्ध्य। क्या बनेगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन ए हो जाएगा, मूर्धन्य। तो ढ वर्ण ट में आता है, ट वर्ग में, तो उसका ट वर्ग के जितने भी वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान मूर्धन्य या मूर्ध्य होता है। तो मूर्धन्य इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों यहाँ पे आपको बतानी है अशुद्ध वर्तनी। ये 2014 में दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है, अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? श्याम, सम्मान, सुसमृद्ध, स्थिविर। श्याम भी होता है दोस्तों, सम्मान भी और सुसमृद्ध भी, लेकिन स्थिविर नहीं होता। ये क्या है दोस्तों? अशुद्ध वर्तनी, यानी कि गलत है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों अधिनियम वाला दोबारा आ गया। ये 2022 यानी कि लास्ट ईयर, पिछले साल दोस्तों ये क्वेश्चन आया था, और पहले भी एक बार आपने देखा, अभी ये हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा है। तो कई बार क्वेश्चन दोस्तों रिपीट भी हो जाते हैं, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने बहुत ही जरूरी है। तो अधिनियम की जो शुद्ध वर्तनी है वो क्या होगी दोस्तों? ऑप्शन ए वाली, यानी कि छोटी की मात्रा आती है दोस्तों अधिनियम में। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ये दोस्तों 2022 में, ये क्वेश्चन भी 2022 में आया है। ग वर्ग का उच्चारण स्थान, ग दोस्तों किस में आता है? क ख ग वाली लाइन में आता है, क में आता है। तो क से कंठ, क वर्ग। तो ऑप्शन बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंठ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी दोस्तों आपके एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों मेन आपका अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया है वो कैसा आएगा मैं आपको बता देता हूँ। या तो शुद्ध वर्तनी, तो शुद्ध वर्तनी जो शब्द है आपको अच्छे से कर लेना है, और एक उच्चारण स्थान, ये दोनों टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत ही अच्छे से कर लेना। उच्चारण स्थान को अच्छे से याद कर लेना, मैंने आपको ट्रिक बता दी है, KTM दिलवा दे ओ भाई, जैसे भी आपको याद करना है, तो इससे आप आसानी से इसको याद कर सकते हो। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और ये भी पता चला होगा कि क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों आपके लिए हम मेहनत करते हैं, और फ्री में इतना अच्छा आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, और सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।